कहीं से ताकत मेरे बदन में, मैं जब भी यूं गरज कर जय भीम बोलता हूँ। जय भीम ये महज एक नारा नहीं बल्कि आत्म सम्मान की हुकार है। आज जय भीम का नारा पूरी दुनिया में अम्बेडकर वादियों की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले किसने और कब जय भीम का नारा दिया था? वो कौन था जिसने सबसे पहले जय भीम बोला था? जय भीम का नारा देने वाले थे बाबू हरदास। आज उन्हीं हरदास बाबू की जयंती है। 6 जनवरी 1904 को नागपुर के पास जन्म लेने वाले बाबू हरदास ने ही सबसे पहले जय भीम का नारा दिया था। लेकिन उनके दिमाग में ये नारा कैसे आया? क्यों उन्होंने सिर्फ जय भीम को ही चुना, कोई और वाक्य क्यों नहीं चुना? और क्या वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को भी जय भीम ही बोलते थे? बाबू हरदास की जयंती पर जानिए जय भीम के नारे की दिलचस्प कहानी। कौन थे बाबू हरदास लक्ष्मण नगराले? गूगल पर जब आप जय भीम लिखते हैं तो इसकी उत्पत्ति के बारे में कई लेख और खबरें मिलती हैं। अलग अलग लोगों ने तरह तरह के दावे किए हैं, इसलिए हमने इसकी पुख्ता जानकारी हासिल करने के लिए खूब पड़ताल की। इस बारे में हमें जो जानकारी मिली, असल में उससे पता चला कि जय भीम शब्द की उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुई थी और इस जय भीम शब्द को जन्म देने वाले थे बाबू हरदास लक्ष्मण नगराले। बाबू हरदास वो शख्स हैं जो बाबा साहेब के साथ रहे हैं, वो उनके परम सहयोगी रहे। वो 1921 में हुए सामाजिक आंदोलन में भी बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के ही साथ थे। बाबू हरदास लक्ष्मण नगराले बाबा साहेब के साथ आंदोलनों में हिस्सा लेते थे। ऐसा नहीं था कि बाबू हरदास किसी खास आंदोलन में ही बाबा साहब के साथ थे, बल्कि वो 1930 में हुए नासिक के कालाराम मंदिर सत्याग्रह में और साल 1932 में पूना पैक्ट के दौरान भी बाबू हरदास ने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ मिलकर एक बड़ी भूमिका निभाई थी। जय भीम का विचार आया कहाँ से? लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर बाबू हरदास को जय भीम का विचार आया कहाँ से? कैसे उनके दिमाग में विचार आया कि कोई ऐसा शब्द होना चाहिए जो सभी को समानता का एहसास दिलाए और लोगों को एक साथ एकता के धागे में भी पिरोए रखे, उनको बांधे रखने में भी मदद करे। असल में बाबू हरदास के मन में जय भीम शब्द का संबोधन पहली बार एक मुस्लिम व्यक्ति को देखकर आया था। हुआ यूं था कि उन्होंने मुस्लिम समाज के कार्यकर्ता को दूसरे मुस्लिम भाई से अस्सलाम वालेकुम कहते हुए देखा, जिसके जवाब में भी दूसरा मुस्लिम व्यक्ति अलैकुम अस्सलाम कहकर संबोधन कर रहा था। आप देखें, मुसलमान जब करते हैं तो वो वालेकुम अस्सलाम और फिर बाद उसमें जवाब में वो देते हैं। बस यही वो पल था जिसे देखकर बाबू हरदास ने भी सोचा कि भाई, मुस्लिम भाइयों की तरह हमें भी एक ऐसा कोई शब्द चाहिए जिसका इस्तेमाल हम ना सिर्फ एक दूसरे के अभिवादन के लिए कर सकें बल्कि उसमें कोई सामूहिक एकता का भाव भी हो। जय भीम का जवाब बल भीम से। लेकिन तभी उनके दिमाग में तुरंत एक विचार उत्पन्न हुआ कि आखिर अभिवादन में कहना क्या चाहिए। उनके मन में आया कि हम लोग भी एक दूसरे से जय भीम का अभिवादन करें, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर उस समय पूरे अछूत वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे और वही एक प्रतीक बन गए थे। तो उनके नाम भीमराव से भीम शब्द को लेकर जय भीम अभिवादन करने के लिए उन्होंने चुना। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप सभी लोगों को मैं अभिवादन के तौर पर जय भीम कहूँगा और आप उसके जवाब में बल भीम कहना। जय भीम बल भीम, इस तरह से उन्होंने ये नारा दिया जो आज हम जय भीम जय भारत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और तभी से ये अभिवादन शुरू हो गया। लेकिन अब एक सवाल फिर से आप सभी के मन में उठ रहा होगा कि हम लोग अभिवादन में जय भीम बोलते हैं, जवाब में बल भीम तो नहीं बोलते हैं, वो भी जय भीम ही कोई जवाब देता है। लेकिन इसमें जो जानकारी है वो ये है कि जय भीम के अभिवादन में बल भीम कहना एक उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन इस समय के साथ साथ ये बदल गया और लोग बल भीम की जगह जय भीम ही कहने लगे। बल भीम के बदले जय भीम असल में हुआ ये कि कुछ शुरुआत में बहुजन समाज के जो लोग थे वो जय भीम के संबोधन में बल भीम कहा करते थे, लेकिन समय के साथ साथ समाज के लोगों ने इसमें परिवर्तन कर दिया और उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कब बल भीम से जय भीम ही हो गया। जय भीम का जवाब जय भीम, वो बल भीम के बदले जय भीम ही बोलने लगे, जिसके कारण बल भीम प्रचलन से धीरे धीरे गायब होता गया और जय भीम ने उसका स्थान ले लिया।
तब से लेकर आज तक आप देखेंगे जय भीम अभिवादन चल रहा है। सब लोग जय भीम बोलते हैं, बहुत गौरव का एहसास करते हैं। जय भीम का ये नारा आज भी देश के 85% मूल निवासी बहुजन समाज को एक धागे में माला की तरह एक साथ रखने का काम कर रहा है। साल 1933 और 34 का महत्व और बाबू हरदास। आपको बता दें कि जय भीम का नारा बाबू हरदास ने साल 1933-34 में समता सैनिक दल को नागपुर में दिया था। जब अधिवेशन चल रहा था उस समय समता सैनिक दल को उन्होंने जय भीम कहा था और तभी से जय भीम का नारा हर जगह छाया हुआ है। जय भीम का अर्थ होता है भीम की जीत हो या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि जय भीम का नारा इससे भी पुराना है, वो इससे पहले ही सामने आया था। जेएनयू के मशहूर प्रोफेसर विवेक कुमार के मुताबिक जय भीम का नारा सबसे पहले भीमा कोरेगांव की लड़ाई में सामने आया था। वो टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में इसका खुलासा करते हैं। वो बताते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म से पहले ही 1818 में पहली बार जय भीम का नारा गूंजा था। वो बताते हैं कि सबसे पहले 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव की लड़ाई के दौरान जय भीम बोला गया था। पेशवा की सेना से लड़ते हुए महारों ने जय भीम का नारा लगाया क्योंकि इससे उन्हें भीमा नदी को पार करने और पेशवाओं को हराने की हिम्मत मिल रही थी। आपको बता दें कि भीमा कोरेगांव की लड़ाई में महज 500 महारों ने पेशवा बाजीराव के 28,000 की सेना को बुरी तरह से हरा दिया था। इस जीत की याद में अंग्रेजों ने पुणे के पास भीमा कोरेगांव में युद्ध स्मारक बनाया था जिस पर शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी 1 जनवरी 1927 को भीमा कोरेगांव के युद्ध स्मारक पर गए थे और उन्होंने दलित और अछूत जातियों को उनके शानदार इतिहास को याद कराते हुए कहा था कि हम कायरों की नहीं बल्कि शूरवीरों की संतान हैं। आज भीमा कोरेगांव में हर साल शौर्य दिवस के मौके पर दुनिया भर के अंबेडकरवादी जय भीम बोलते हुए वहां पहुंच जाते हैं। प्रोफेसर विवेक कुमार इसी का जिक्र करते हैं और वो कहते हैं कि भीमा कोरेगांव युद्ध से जय भीम की उत्पत्ति हुई है क्योंकि वो भीमा नदी थी, इसलिए वो जय भीम भीमा शब्द से वो उसका उत्पत्ति देख रहे हैं। हालांकि प्रोफेसर विवेक कुमार ने आगे ये भी बताया कि 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो बाबा साहब ने पार्टी बनाई थी उसकी स्थापना के बाद जब बाबा साहब मुंबई चौल में अपना जन्मदिन मना रहे थे तो उनके एक समर्थक ने उन्हें शुभकामना देने के लिए जय भीम बोला था, जिसके बाद ये नारा बढ़ता चला गया। माना जाता है कि बाबू हरदास ने ही अंबेडकरवादियों में जय भीम को मशहूर किया और फिर देखते ही देखते हर कोई बस जय भीम ही बोलने लगा। इस तरह से जय भीम का नारा अंबेडकरवादियों की आन बान और शान बन गया। जय भीम का नारा अंबेडकरवादियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक अभिवादन नारा है, यानी जब लोग आए एक दूसरे को उनके धार्मिक जो नमस्ते या फिर दुआ सलाम होता है वो बोलते हैं, उसी तरह से अंबेडकरवादी एक दूसरे को जय भीम बोलते हैं। खासकर उन लोगों द्वारा जिन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा लिखा हो, जो उन्हें आदर्श मानते हो, उनसे प्रेरणा लेते हो या फिर उन्होंने अपना धर्म जो है वो बौद्ध धर्म अपना लिया हो, वो लोग इस तरह से जय भीम ही बोलते हैं। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से प्रभावित हैं, उनकी प्रतिभा से सम्मानित उनको देखते हैं और वो प्रभावित होकर सवर्ण समाज के लोग जो गैर दलित लोग हैं वो भी आजकल जय भीम का नारा बोलते हैं। जय भीम आज काफ़ी पॉपुलर नारा बन चुका है। आप देखें कि ये बहुत पॉपुलर एक टर्म हो गया है, जय भीम बोला। आपसी अभिवादन के अलावा सामाजिक न्याय से जुड़े मसलों पर भी आप देखेंगे जितने भी देश में आंदोलन हो रहे हैं उसमें आपको देखेंगे कि जय भीम का नारा ज़रूर सुनाई देगा, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीरें दिखाई देंगी। लेकिन जय भीम को लेकर आज भी समाज के एक बड़े तबके में सहजता नहीं है। जो नॉन दलित या नॉन बहुजन समाज के जो लोग हैं वो इसे एक हमले की तरह देखते हैं, हालांकि वो अपने धार्मिक नारों को और किस तरह से थोपते हैं उनकी तो अलग ही एक कहानी है, लेकिन वो इसको लेकर सहज नहीं होते। और कुछ लोग बहुजन समाज के भी हैं जो बेचारे कहीं ना कहीं अपनी जातीय पहचान को लेकर अनकंफर्टेबल होते हैं, उनको लगता है कि उनकी जाति उजागर हो जाएगी तो उनके साथ भेदभाव होगा या उन्हें किसी तरह की दिक्कत होगी, तो वो सार्वजनिक जगहों पर जय भीम बोलने से कतराते हैं। कई लोग ऐसे हैं, अगर आप किसी गैर दलित को भी नमस्ते की जगह जय भीम कहें तो शायद ही वो इसके जवाब में जय भीम कहें। तो ऐसे में ज़रूरत है कि इस नारे को लेकर हम और सहज हों और इसे बोलते हुए हमें गर्व महसूस करना चाहिए क्योंकि जय भीम हमको एक आत्मसम्मान की अनुभूति कराता है, तो इसमें शर्मिंदा होने की बात नहीं है। आपकी जाति के बारे में वो किसी भी तरह से पता कर ही लेंगे वो तो आप उनको पता चल ही जाएगा, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जातीय पहचान को लेके, अपने पुरखों को लेके, बाबा साहेब के नाम को लेके कंफर्टेबल होंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा और फिर किसी की हिम्मत भी नहीं होगी कि वो आपसे टकरा सके।
हमारा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी को जबरदस्ती जय भीम का संबोधन करने के लिए कहना है। ये आपकी मर्जी है, हम इसमें स्वाभिमानी महसूस होते हैं, हमको बाबा साहेब से करीबियत महसूस होती है कि हम उनके और ज़्यादा करीब चले गए हैं, इसलिए हम तो बहुत गर्व के साथ जय भीम बोलते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन जब भी आप जय भीम बोलते हैं तो आपके बदन में एक अलग ही ऊर्जा ज़रूर दौड़ जाती है। जय भीम ये बस एक नारा नहीं है बल्कि एक इमोशन है। इट्स अ इमोशनल थिंग फॉर अम्बेडकराइट्स, और इसलिए मैं कहता हूँ कि एक इमोशन है, ये सिर्फ एक नारा नहीं है। हम जय भीम का नारा देने वाले बाबू हरदास की जयंती पर उन्हें नमन करते हैं। उम्मीद है कि जय भीम के नारे के इतिहास पर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, कि आप ये जानकारी पहले से जानते थे, या आपको ये वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित और अजरा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।